हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज का मौसम जो है बहुत ही मस्त है, धूप भी है और इतना ज़्यादा सर्दी भी नहीं लग रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पता है आज बस मैं एक ही स्वेटर पहन के आई हूँ, ज़्यादा नहीं पहनी हूँ और बाहर बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो, मैं आज लोतीमार्ट आई हूँ और आप लोगों का सब कहना था कि दीदी आप प्राइस चीज़ें खरीद देते हो लेकिन प्राइस नहीं बताते हो, तो मैं आज आप लोगों को प्राइस बताऊंगी किस चीज़ का क्या कितना प्राइस है इंडियन रुपी में। तो पहले क्या होता था, मैं जब मतलब चीज़ें खरीदती थी तब मैं प्राइस नहीं देखती थी, मतलब इंडियन रुपी में प्राइस नहीं देखती थी, तो बस खरीद लेती थी ऐसे। लेकिन जब मैं प्राइस देखी ना, मुझे थोड़ा सा हार्ट अटैक आया गया, बाप रे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो क्या करें, खरीदना पड़ता है। तो चलो देखते हैं, खरीदते हैं आज किसका प्राइस कितना है, मैं आज सब कुछ आपको डिटेल्स बताऊंगी, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ देखो, नींबू। एक्चुअली ये प्लास्टिक का है लेकिन पूरा एकदम से रियल दिख रहा है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सारे चीज़ है, मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मुझे क्या लेना है मैं वो दिखाऊंगी। ये जो पाइनएप्पल्स है ना, इसका प्राइस है 5,990 और इसको कटिंग करने के बाद 2,000 एक्स्ट्रा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7,490। ये वाला जो ओनियन है देखो, इसका छिलका निकाल दिए हैं तो इसका प्राइस है 2,990। बहुत एक्सपेंसिव है। तो मुझे जुकीनी चाहिए तो बस मैं एक जुकीनी लूँगी। इसका प्राइस कितना है, हाँ 1,790 इतना सा जुकीनी का। तो चलो देखते हैं, तो इसका प्राइस है 2,990, तो इसको भी एक लेते हैं। यहाँ पर सर बहुत सारे टोफू है, टोफू जो है वो सोयाबीन से बनता है ना, पनीर के जैसा है। ये वाला जो है इसका प्राइस है 2,000 और ये वाला लेते हैं। चलो ये सस्ता थोड़ा है, 1,590। तो यहाँ पर एक ग्रीन चिली लेना है मुझे, ग्रीन चिली इसका प्राइस है 1,190। चलो इसको भी लेते हैं। देन यहाँ पर है थेंगजांग, यहाँ पर लिखा है कोरियन में सोयाबीन पेस्ट एक्चुअली। तो यहाँ पर बहुत सारे है तो मुझे एक ही लेना है, बहुत सारे है यहाँ पर। ये जो है वो सीसेल का है ये, और ये जो है ये वाला जो है वो बीफ है। तो बहुत सारे यहाँ पर है तो मुझे वेज ही आज बनाना है, तो मुझे वेज लेना है, मैं सीसेल का नहीं लूँगी। तो इसका प्राइस है 8,700 और ये जो है ये भी सब इसका प्राइस है 8,780 और ये जो है ये वेज है तो इसका प्राइस है 4,580। तो मुझे बस ये लेना है। तो चलो, this one is the bean. Yeah, this one is the bean. This one is made by permanent bean. Yeah, ये बीन से बना हुआ है तो मुझे ये चाहिए। Permanent. यहाँ पर स्क्विड फिश है, यहाँ पर रह गया स्ट्रीम और यहाँ पर ऑक्टोपस। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ एक्चुअली कौन सा वाला लूँ, तो ये वाला लेती हूँ मैं। इसका जो प्राइस है इसका है 2,990। तो चलो हम ये वाला खरीदते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके घर पहुंच गई हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी कोरियन फूड। मैं हर रोज इंडियन फूड बना के खाती हूँ लेकिन कोरियन फूड कभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इतना। तो फाइनली मैं आज बनाऊंगी कोरियन फूड। तो उसका नाम है थिंगचंग चिके, वो वेजिटेबल से बनता है। आप चाहो तो उसमें मीट भी डाल सकते हो लेकिन मैं आज कुछ भी मीट नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल में ही बनाऊंगी वो थिंगचंग चिके। तो चलो रेसिपी देखते हैं और क्या क्या सब लगता है क्या क्या नहीं, मैं फुल रेसिपी दूंगी इसमें। तो जिसको भी बना के खाना होगा वो बना के खा सकते हैं। और आई थिंक इजीली अमेजोन में भी अवेलेबल होता है कोरियन सब चीज, मतलब जो कोरियन स्टॉफ है सब अवेलेबल होता है, तो आप लेके भी आ सकते हो। तो चलो देखते हैं सब उसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगता है। फ्रेंड्स, मुझे जो भी सब सामान चाहिए थिंगचंग चिके के लिए तो मैं यहाँ पर सारे सब रेडी कर ली हूँ। तो चलो फटाफट से अभी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स सब काट लूंगी, देन बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर जुकीनी ले रही हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मशरूम ले ली हूँ और ये रहा मेरा पोटैटो और देन जुकीनी। मुझे बस ये तीन ही वेजिटेबल लेना है और उसके बाद मैं गार्लिक और स्प्रिंग ओनियन ये सब डालूंगी। सॉरी मैं ये ओनियन भूल गई थी, तो ओनियन भी हमें चाहिए। मैं डालूंगी इसमें ढेर सारा पानी, तीन कप पानी डाली हूँ मैं इसमें। तो अभी मैं इसमें गार्लिक ले ली हूँ, पेस्ट वाला ये है, और देंचंग लेंगे इसमें। इतना सा ही लूंगी मैं। फिर आ गया ये कोरियन चिली कुचुगारो, थोड़ा सा ये शुगर, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा। इसमें आएगा सोया सॉस, थोड़ा सा नमक, इन सबको अच्छे से मिला देना है हमें। थोड़ा सा इसमें कोचुजंग भी ऐड करूँगी जो कि कोरियन रेड चिली पेस्ट है। मिक्स कर देना है हमें पहले। अभी जो ये पानी है बहुत अच्छे से हमारा बॉयल हो गया है, तो इसमें डाल देंगे ये सारे। मिक्स मिक्स मिक्स। अभी इसमें डाल देंगे सारे वेजिटेबल्स, जैसे कि फर्स्ट में ओनियन डाल दी। मैं यहाँ पर वॉश करके रखी थी जुकीनी, मशरूम और पोटैटो, तो इसको भी डाल दूंगी। अभी मैं सारा चीज़ इसमें डालती हूँ, तो अभी हम इसको बॉईल करते हैं अच्छे तरीके से, देन लास्ट में हम जो स्प्रिंग ओनियन और ग्रीन चिली है उसको डालेंगे। तो अब हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, ये पूरा हो गया है, तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसमें एक ग्रीन चिली डाल देंगे। अब थोड़ा सा ग्रीन ओनियन। अब ये पूरा रेडी हो गया है हमारा डिंग चिली। नाउ इट्स टाइम टू सर्व। बस मैं अभी खाना खाकर आ गई हूँ और देंजंग चिकी बहुत ही अच्छा बना था। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि चलो इतना अच्छा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी बन गया था तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन यंगचन इतना नहीं खाते हैं स्पाइसी, तो उनको थोड़ा सा लगा, लेकिन अच्छा था। आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसे दिख रही थी वो देंजंग चिकी। मुझे पता है आप लोग नहीं खा सकते, लेकिन बता तो सकते हैं कैसा, मतलब लुक कैसा था उसका, दिखने में कैसा दिख रहा था, डिलीशियस दिख रहा था या नहीं, तो जरूर मुझे कमेंट करें। और कोई अगर चाहते हैं घर पर बना के खाने के लिए, तो अमेजोन में इजीली अवेलेबल हो जाएगा सब कुछ, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय जगन्नाथ।